यहाँ से इस फोटो को सेंड करते रहा हूँ पेसाट में, जो एप्लीकेशन है पेसाट उसमें हम सेंड करते रहे। यही फोटो को हम ऐड करेंगे, फिर इसको कार्ड अच्छे से करेंगे। ऐड हो गया, अब इसको सही बैठा लेते हैं, उसको थोड़ा सा उधर कर सकते हैं जैसे पीछे का बैकग्राउंड हो आए काटने में अच्छा हो। इसको ब्रश ले लेते हैं हार्ड इतना, साइज आप लोग देख लेना जैसे अच्छा लगे करने में, बस थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। इसको हार्डनेस घटा देते हैं ताकि लुक से एकदम ओरिजिनल जैसे बैकग्राउंड हो लगे। साइड साइड में मार लेना आप लोग भी अच्छा लगेगा। ऐसा करते जाना काट काट के स्लाइड करते करते, तो हम जल्दी के लिए दिखा रहे हैं आपको एक करके, यहाँ अच्छा लगा वही काट लेना। सेव करना तो ड्रॉ टूल में जाके सेव कीजिए, क्वालिटी अच्छा रहता है फोटो का। सेव हो गया, अब फोटो को सेव हो गया, ये फोटो बन गया। अब इसको भेजते हैं हम लोग लाइट रूम में ताकि कलर उलर करके अच्छा और क्या रह जाए। लाइट रूम और फोटो में देख लेना, फिर पहले आ जाएगा। अभी यहाँ से हम पहले तो जाएंगे इधर, यहाँ पे ये सब कर लेना आप लोग भी ऑप्टिकल में, डायरेक्ट कलर इसको देखेंगे। इसको हाँ इतना सही है सच्चाई, थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब इसको कलर में जाते हैं, कौन सा कलर ले भाई ये, चलो सही है सचुएशन को बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। फोटो के हिसाब से देख लेना, जैसे जैसे बढ़ाना पड़े वैसे बढ़ा लेना। टी शर्ट का कलर चेंज करने के लिए नहीं, ऑरेंज ही मस्त लग रहा है भाई, ठीक है चलो अच्छा है, हो ही गया समझो फोटो। देख लेना फिर जैसे आप लोगों को अच्छा लगे उस टाइप का करना, इस ऑप्शन से आपको पता चलेगा तो फोटो को क्रिएटिव लुक्स लगे। यहाँ से हम जाते हैं डिटेल्स बढ़ा दो थोड़ा सा तक फोटो को अच्छा लगे, फोटो के ऊपर ही फोकस चाहिए ज़्यादा, इसलिए हम करते हैं। इसको शार्पिंग को बढ़ा देते हैं ताकि फोटो एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में लगे। देख लो फिर भाई हाँ इतना तक सही रहेगा या हो गया, इतना ही काफ़ी है। इस ऑप्शन में जाने के बाद अब एट वाला रूल्स करना, तो एट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, रियल लुक कट जैसे लगता है, जैसे ओरिजिनल फोटो में जैसे रहता है ना, तो उस टाइप का बैकग्राउंड भी बन जाता है। चलो ठीक हो गया, इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक से